हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दिस इज़ उदय साहू एंड यू आर वॉचिंग टुडे स्मार्ट टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने एक मोबाइल, आपके पुराने वाले मोबाइल से आप अपने नए मोबाइल में कैसे अपने सारे कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट में सेव भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम यही जानने वाले। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन खोल लेना है जिसमें से आपको अपने मैसेज कॉन्टैक्ट्स सेंड करने हैं। यहाँ पे मैंने अपना पुराना वाला फ़ोन खोल लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट्स को खोल ले लेना है। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं। अब मैंने बारी बारी करके सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी कॉन्टैक्ट हैं। अब इन्हें हमें सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर इन सबको क्लिक करके इस प्रकार से सेलेक्ट कर लूँगा जितने भी कॉन्टैक्ट्स को आप भेजना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसमें से सभी कॉन्टैक्ट्स को यहाँ भेजना चाहता हूँ। इसलिए मैं सभी ऑल के पर क्लिक करूँगा। जो ऊपर आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है जो 15 लिखा हुआ है, उसके बगल में बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सभी कॉन्टैक्ट्स जो है एक साथ ही यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और सभी एक यहाँ पर 455 कॉन्टैक्ट्स हैं, इन्हें मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर सभी आप देख सकते हो उस कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि शेयर लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं शेयर करने के। यहाँ पे मैं ब्लूटूथ को ओपन करूँगा। यहाँ से हमें ये सभी शेयर करने हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। मैं ब्लूटूथ पर क्लिक करूँगा। यहाँ कुछ समय लगेगा और वह रिफ्रेश होने के बाद वहाँ फ्रेंड्स आपको दूसरे वाले मोबाइल में अपनी ब्लूटूथ को ऑन करके रखना है। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करूँगा और उस पर सिंपली ब्लूटूथ पर प्रेस करके रखूँगा और जैसे अब थोड़े एक दो सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा तो यह खुल जाएगा ब्लूटूथ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैं इस पुराने वाले में स्कैन करूँगा और स्कैन करने के बाद यहाँ पर इस डिवाइस का नाम शो हो जाएगा। देख सकते हैं आप वीवो 1904 आप यहां पर देख सकते हैं डिवाइस का नेम। उसके बाद मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर आप देख सकते हैं सेंडिंग फाइल्स टू वीवो 1904। यहां पर एक मैसेज आएगा आपके लिए एक्सेप्ट करने के लिए कुछ समय में। यहां पर आप चूंकि मैं 455 भेज रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर मैसेज आ चुका है गैलेक्सी J2 प्रो के द्वारा बस टू सेंड यू अ फाइल, डू यू वांट टू एक्सेप्ट। मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करके इन सबको एक्सेप्ट कर लूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी फ़ोन के ब्लूटूथ में आ चुके हैं। मतलब आप जब इसकी फाइल मैनेजर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये सभी मिल जाएंगे। यहाँ पे हम चलेंगे फाइल मैनेजर में। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने जो न्यू वाले फ़ोन में आपने जो ट्रांसफ़र किया है वहाँ पर आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जो कि ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ में हमने ब्लूटूथ के द्वारा भेजा है। आपको ब्लूटूथ यहाँ पर सर्च कर लेना है ताकि आपके सभी जो है कॉन्टैक्ट्स की एक जो है BCF फाइल बन के आती है वह मिल जाए। यहाँ पे मैं ब्लूटूथ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं जो मैंने अभी भेजा है BCF फाइल, जो कॉन्टैक्ट्स 3 BCF फाइल, चूँकि मैं थोड़े पहले यहाँ पर भेज चुका था। यह 3 से 4 फाइल्स हैं, लेकिन सबसे नीचे वाली में पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट 1B कार्ड फाइल में ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट इम्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि उस फाइल में जो सभी कॉन्टैक्ट्स थे वह आपके मोबाइल में जो है कॉन्टैक्ट्स सेव होना शुरू हो चुका है। आप इस प्रकार अपने किसी भी पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो एक मोबाइल के ब्लूटूथ के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट हैं जिन पर आपको ब्लू टिक दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको नीचे मेर्ज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है 15 मेर्ज, क्योंकि यह डबल डबल कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले भेज चुका था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू टिक वाली ये सब मेर्ज, मतलब कि डबल डबल कॉन्टैक्ट हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आप जैसे इस मेर्ज 15 लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके जो डुप्लीकेट हैं यह सब डिलीट हो जाएंगे। चूँकि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च करके आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वह सब सिंगल सिंगल हो जाएंगे, मतलब कि आपके डबल कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे जो 15 कॉन्टैक्ट थे। यहाँ पर आपको मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि आप कैसे अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में सभी कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा इस पुराने वाले में मेरे
जो कॉन्टैक्ट्स थे उनकी संख्या थी 455। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, 455 जो है कॉन्टैक्ट्स थे। और यहाँ पर जब मैंने सेंड किया, आप देख सकते हैं 455 कॉन्टैक्ट्स थे पुराने वाले में। यहाँ पे मैंने सेंड किया तो आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 551 आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो जय।